तो मूवी की शुरुआत होती है जॉन सीना से, जो कि पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है। रात को जॉन ने अपनी वाइफ मॉली के साथ मुंह मीठा किया और अपने ऑफिसर दोस्त हैंक के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकल गया। दूसरी तरफ एफबीआई ने एक बड़े गैंगस्टर रोमन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। एफबीआई ने रोमन के ही एक साथी सैम से ये डील की थी कि अगर उसने रोमन को पकड़वा दिया तो एफबीआई सैम के भाई जोशुआ को छोड़ देगी। अब रोमन छुपता छिपाता सैम के पास पहुंचा, तभी सैम ने रोमन को सब बता दिया और उसे शूट करके एफबीआई को धमकी दी कि अगर तुम्हें रोमन चाहिए तो पहले मेरे भाई को छोड़ दो। अब एफबीआई वाले सैम को पकड़ने के लिए निकल गए। इधर वैन में घायल रोमन एकदम से अंडरटेकर की तरह उठ गया, क्योंकि ये उन दोनों का प्लान था जिससे कि एफबीआई वाले जोशुआ को भी छोड़ दें और रोमन भी एफबीआई के हाथ ना लगे। लेकिन रोमन ने सैम को धोखा देते हुए उसे वैन में ही मार दिया। अब रोमन के वांटेड होने की खबर जॉन और हैंक को भी लग गई। उन्होंने रोमन के कुछ एमएमएस भी देखे जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड नागिन डांस कर रही थी। यहाँ रोमन अपने अड्डे पर पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड एरिका से मिला, जिसके साथ वो एक दूसरी कार से निकल गया। ये दोनों यहाँ से निकले ही थे कि आगे जाकर रेड लाइट एरिया पर जॉन की नज़र एरिका पर गई और उसने अपनी कार एरिका के पीछे लगा दी। अब बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर हैंक ने एरिका से लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स मांगे, लेकिन जॉन ने एरिका को ऑर्डर दिया कि अपनी डिग्गी खोलो। उसने कहा ही था कि डिग्गी में से रोमन ने फायरिंग शुरू कर दी और उसी बीच ये दोनों वहाँ से भाग निकले। जॉन भी भागते हुए उनका पीछा करने लगा, जिस बीच उसकी गन भी वहीं गिर गई। वो एक कार की स्पीड से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बीच रोड पर एक बोट खड़ी कर दी, जिससे रोमन की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही एरिका वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आती एक गाड़ी ने उसे ठोक दिया, जिससे उसकी वहीं डेथ हो गई। तब रोमन ने जॉन से कहा कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इतने में लेट लतीफ पुलिस ने आकर रोमन को अरेस्ट कर लिया। यहाँ से कहानी ठीक एक साल आगे आई, जहाँ जॉन अपना अलार्म बंद करके कमरे से बाहर आया। तब मॉली ने उसे बताया कि अभी पाइप को रिपेयर करने एक प्लम्बर आएगा। ये बताकर वो अपनी नर्स की जॉब के लिए निकल गई। मॉली के जाने के बाद जॉन को एक कॉल आया। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि रोमन का ही था, जो जेल से भागकर जॉन को कॉल कर रहा था। वो जॉन से बोला कि हे जॉन, तुम्हें पता है ना मॉली मेरे पास है। ये सुनते ही जॉन अपना बैच और गन उठाकर मॉली को ढूंढने घर से बाहर आया कि तभी पहले उसकी कार और फिर उसका घर। घर को ब्लास्ट होता देख जॉन थोड़ा टेंशन में आ गया। तभी रोमन उससे बोला कि तुमने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीनी थी ना, अब मैं तुमसे गर्लफ्रेंड का हाई वर्जन तुम्हारी वाइफ ही छीन लूंगा। ये सुनकर जॉन ने जेटीए वाइस सिटी की तरह एक कार छीनी और मॉली की डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए निकल गया। इसी बीच उसने हैंक को भी कॉल करके सब बताया। कार को घोड़े की तरह भगाकर जॉन मॉली की डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, पर सारे पैसेंजर के बीच मॉली उसे कहीं नहीं मिली। जब उसने मॉली को कॉल किया तब वो कॉल रोमन ने उठाई। रोमन उससे बोला कि अगर तुम अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें 12 राउंड्स का एक गेम खेलना होगा, जिसमें से 2 राउंड्स मैंने पूरे कर दिए हैं। पहला राउंड तुम्हारे घर को उड़ाकर और दूसरा राउंड मॉली को किडनैप करके। अब उसने जॉन को थर्ड राउंड के बारे में बताया, जिसमें जॉन को एक ऐसा फोन ढूंढना था जिस पर रोमन अगले 15 मिनट में कॉल करेगा। उसने एक हिंट भी दिया कि फोन को ढूंढने की शुरुआत वहाँ से करो जहाँ हम पहली बार मिले थे। ये सुनते ही जॉन हैंक को लेकर एक साल पहले वाली एक्सीडेंट की जगह पहुँचा, जहाँ पर स्प्रे से ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ था। हैंक और जॉन उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर ऑफिस में पहुँचे, जहाँ पहले से जॉन का भाई काम करता था। उसने सबके फोन बाहर निकलवाए, तभी 15 मिनट होते ही पास की दुकान पर रखा एक फोन बजने लगा, जो कि रोमन का ही था। अब रोमन ने कॉल पर जॉन को राउंड 4 के बारे में बताया, जिसमें कि उसे 20 मिनट के अंदर एक जलते हुए बैंक के टॉप फ्लोर से 2 सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स लाने थे। तभी यहाँ एफबीआई एजेंट भी आ गए, जिन्हें सारी कहानी बताते हुए जॉन उस बैंक के पास पहुँचा।
जहां अपने भाई के साथ वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए टॉप फ्लोर पर आया। अब उन्होंने बहुत मुश्किल से वो दो सिक्योरिटी बॉक्सेस ढूंढ लिए जिनमें एक टाइमर चल रहा था। तभी जॉन को रोमन का फिर से फोन आया जिसने कहा कि गुड जॉब जॉन, अब तुम्हारा राउंड 5 भी यहीं से स्टार्ट होता है। उसने जॉन को बताया कि इन दो बॉक्सेस में से एक बॉक्स में बॉम्ब है और दूसरे बॉक्स में अगले राउंड का क्लू, इसलिए तुम्हें अगले 7 मिनट में ही इनमें से एक बॉक्स को गहरे पानी में डालना होगा, नहीं तो उसमें से एक बॉम्ब फट जाएगा। टाइम की कमी की वजह से जॉन ने अपना दिमाग लगाया और एक वायर के सहारे नीचे उतरने लगा। जल्दी जल्दी में उसने एक फायर ट्रक लिया और आज तक से भी तेज स्पीड में बीच साइड के लिए पहुंच गया। उन बॉक्स का टाइमर खत्म हो रहा था जिस वजह से जॉन ने फायर ट्रक को गोली की तरह भगाया। फुल हैवी ड्राइवर बनने के बाद जॉन बीच पर पहुंच ही गया जहां उसे एक बॉक्स से कुछ आवाज आने लगी जिससे वो समझ गया कि जरूर इसमें ही वो बॉम्ब होगा। तभी उसने जल्दी से उस बॉक्स को पानी में फेंक दिया। इतने में रोमन ने फिर से जॉन को कॉल करके कहा कि अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, खैर अब अगर तुमने राउंड 6 पूरा किया तो शायद तुम मॉली को देख पाओ। यहाँ FBI ने जॉन को एक नया फोन दिया जिससे वो उसे हर वक्त ट्रेस कर पाए। साथ ही उस दूसरे बॉक्स में से जॉन को होटल स्प्रिंग रोल का एक की कार्ड मिला। अब जॉन और FBI एजेंट उस होटल के रूम में पहुंचे जहां उन्हें मॉली की कुछ तस्वीर मिली। यहां एजेंट्स ने CCTV फुटेज चेक कराई तो रोमन एक पोस्टर दिखा रहा था। पोस्टर पर लिखा था कि हम अभी भी यहीं पर हैं। साथ ही रोमन एक होटल एम्प्लॉय से बात भी कर रहा था। जॉन ने जल्दी से उस होटल एम्प्लॉय से रोमन का पता पूछा। तब वो एम्प्लॉय जॉन को उसका रूम दिखाने ले जाने लगा लेकिन बीच फ्लोर में ही लिफ्ट खराब हो गई। तभी लिफ्ट में उन्हें एक टैब मिला जिसमें मॉली कह रही थी कि जॉन अगर तुम ये देख रहे हो तो मतलब राउंड 6 स्टार्ट हो गया है, बाकी अगले 60 सेकंड में ये लिफ्ट गिरने वाली है।